अभी मम्मी पापा को क्या अरे तो दौड़ रहे क्या मम्मी फर्स्ट टाइम हाय गाइस वेलकम बैक। आज वाला व्लॉग थोड़ा अलग है। सो अभी मम्मी पापा इधर बेंगलोर में छुट्टी मनाने आया है ना, तो दे कम टू बेंगलोर ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। तो इसमें क्या स्पेशल नहीं है ना, बट बाहर कहीं और भी जगह में नए जगह में घूमने लेके जाने का प्लान नहीं है हमारा। एक्चुअली लास्ट ईयर भी प्लान था बट प्लान फ्लॉप हो गया। हम लोग गोवा पॉन्डिचेरी जाने वाले थे बट हम नहीं जा पाए। अभी इस टाइम हमने फिर से प्लान किया है, बट इस बार मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने प्लान किया। अभी मम्मी पापा को नहीं पता है क्योंकि सरप्राइज देना है, सरप्राइज। तो अभी कल सैटरडे है ना, तो कल सैटरडे है तो हम लोगों को कल जाना है। अभी मेरा बॉयफ्रेंड दिल्ली में है तो वो दिल्ली से आएगा एंड आज रात को आएगा दिल्ली से, और कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी हमने कुछ पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं किया है। मम्मी पापा इधर वॉक में चला गया, अभी मैं और डोगा घर में बैठा है तो इसलिए जल्दी जल्दी में वीडियो बना लिया। तो सुबह उन लोगों को जल्दी जल्दी के उठा के पैकिंग करा के फिर लेके जाना है। तो लोकेशन मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि उन लोगों के लिए सरप्राइज हो जाएगा ना, पहले से लोकेशन बनाएंगे तो फन नहीं होगा ना, इसलिए। तो मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने ऑलरेडी वहाँ पे कहाँ रहना है, जगह वगैरह सब ऑलरेडी ढूंढ लिया है, बुकिंग कर दिया है। हमें बस कल जाना है वहाँ पे, और गाड़ी में जा रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड इज़ गोना ड्राइव। तो द प्लेस इज़ ऑलमोस्ट 6 to 7 hours अवे फ्रॉम बेंगलोर। तो 6 to 7 hours गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ओके, देन कल सुबह, शायद कल सुबह जब उठेगा उसके बाद फिर वीडियो पटाएगा। हाय गाइस, आज सैटरडे है और हम लोग सुबह सुबह टिमो खा रहे हैं और चांबा शेक पी रहा है। हाँ, पापा चांबा शेक पी रहा है, वो भी स्टारबक्स के कप में। और आज इन दोनों को समथिंग कुछ नहीं पता है जो मुझे और डोगा को पता है ना डोगा? क्या पता है, क्या पता है? सैटरडे है और क्या? सैटरडे है, बट अभी ये खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी से अपना पैकिंग करना है। पैकिंग कहाँ जाना है? धर्मशाला जाना है क्या? धर्मशाला नेक्स्ट हफ्ता जाना है। धर्मशाला जाने से पहले कहीं पे जाना है, लोकेशन अभी नहीं बोलेगा। लोकेशन सरप्राइज है। थोड़ा गर्मी का कपड़ा डालो, पैक करो 3 दिन के लिए। गर्मी का कपड़ा 3 दिन? 3 दिन? पहले खाना खाओ उसके बाद पैकिंग करो, फिर बोलेगा। पता नहीं चलेगा तो क्या पैकिंग करना? मैंने बोला ना गर्म मौसम का पैकिंग करो बस, जगह जानने की जरूरत नहीं है, गर्मी का पैकेट करो बस। ओके गाइस, अभी पैकिंग हो रहा है। मॉम पैकिंग हो गया? हो रहा है, होने वाला है। होने वाला है। ये मम्मी और डैडी का बैग और ये मेरा और डोगा का बैग। अभी हमारा खाली है क्योंकि अभी ये मेकअप का सामान डालना है। डोगा हमारा बैग पैकिंग कर रहा है और क्योंकि मैं कैमरा मैन है तो अभी सुबह के 8 बजने वाला है और सब लोग पैकिंग कर रहे हैं और अभी तक मंसूर का फ़ोन नहीं आया। ओके, अब हम लोग इधर आ गया। मंसूर इज बैक फ्रॉम दिल्ली। अब हम लोगों का देखो सामान 10 दिन के लिए जा रहे हैं। ओ देखो हम लोगों का इतना सारा सामान है। यस, ये व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस? यू गॉट कॉल्ड? ओह माय गॉड, पता नहीं दिल्ली का क्लाइमेट आई थिंक कुछ हो गया।
सो सैड। अभी भी फिर आते के बाद फिर गाड़ी चला गया हमारे साथ जा रहे हैं। ओह बाय द वे हमने लोकेशन नहीं बताया, सो डोंट टेल। ओके, ओह वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग नाउ। आई मीन वी नो वेयर वी आर गोइंग, दे डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। तो थका नहीं है अभी? नहीं अंकल, मैं रात भर तो मैं सो गया अच्छे से फ्लाइट में। कितने बजे कल लेट नहीं हुआ आवाज आज? हाँ 2 बजे ऐसे कुछ हम लोग पहुंचे रात। लेट हो गया, ऐसे डिले हो गया? डिले नहीं हुआ, ऑन टाइम ही आया कल, बट पहुंचा थोड़ा लेट। और हाँ वो क्यों, कैब नहीं मिल रहा था ना इसीलिए। रात को 2 बजे ना? हाँ वो बहुत महंगा है ना। कितना था? 1300 ऐसा कुछ था, पर वो सब कंपनी देगा ना। हाँ कंपनी देगा ना, तो क्या है 4000 होगा तो होना चाहिए ना। Now we are at Mysore Road। ये Mysore Road है, कौन सा रोड है? कौन सा अंकल? ऊपर से जा रहा है वो। नाइस रोड है, नाइस रोड बोलते हैं। अगर हम लोग सीधा जाते ना और आगे से लेफ्ट लेते, एंड से लेफ्ट लेते ना, तो आइकिया आता है। ओके, अब हम मैसूर से थोड़ा आगे आके रास्ते में रुक गए हैं। अभी भी मम्मी पापा को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बट अभी थोड़ी देर के लिए चाय वाय पी के थोड़ा ब्रेक लेके। नीर दोसा नहीं है, नरम नरम। मंसूर दैट इज आस्किंग फॉर नरम नरम दोसा, दैट इज सेट दोसा। वो सेट दोसा है, लव लव सेट दोसा। हाँ तब पाला भाजी, दिस वन इज पापा सेट दोसा। मम्मी को दे रहा है, सबको बांट रहा है अपना सेट दोसा। और मम्मी और डोवा का बड़ा बड़ा दोसा एंड मंसूर का छोटा सा दोसा। तो अब सब लोग खाना खा रहे हैं मैसूर रोड में। हम लोग ऐसे अब हम लोग नागरहोली में जा रहा है। ये रोड में जानवर मिलता है, जानवर हाथी टाइगर चीता, देखो एनिमल क्रॉसिंग रोड। ये ठीक है पर अभी नहीं है, रात को मिलेगा। भालू और देखो हम लोग ये जा रहे हैं। अभी आज मैं आज नहीं, अभी मैं आगे बैठा है और लाडू पीछे सो के बैठा है। हां तुम कौन बना हॉर्न बजाने भी मना है? हां नाम पे ठीक है, कौन क्यों नहीं बजा सकते, डिस्टर्ब होता है ना। और ये रूल पूरा इंडिया में होना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाने वाला। तो अभी फिर से हम लोग रुके हैं ऐसे ब्रेक के लिए बीच में। जूस चाहिए? नहीं चाहिए, एक्चुअली आई एम थर्स्टी। गाइस तो ये रास्ता ऐसा है, फुल जंगल है, वो हिमाचल टाइप लग रहा है। रास्ता भी अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत धीरे जाना पड़ रहा है। देखो स्पीड 20-30 में जा रहे हैं हम लोग, और रास्ते में बहुत सारे खड्डे भी हैं। और हम लोग कूर्क में ऑलरेडी पहुँच गए हैं, कूर्क के एरिया में। और कब से जा रहे बंदर बंदर बंदर। और अभी भी मम्मी पापा को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने नहीं बताया जगह। तो सरप्राइज है ना, इसलिए हम उन लोगों को अभी तक बताए नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी पता नहीं है, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो गाइस अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं, पता नहीं बहुत दूर है। रोड अभी इम्प्रूव हो गया है, ये देखो अच्छा हो गया रोड। और गाइस इधर है ना, मेरे को अभी बहुत बड़ा सा पानी दिख गया, इसलिए मैं कैमरा ऑन किया हूँ, दिखाती हूँ। पानी बहुत बड़ा हुआ इधर। एक मिनट अभी दिखाती हूँ पानी। अब असली पानी यहाँ है, ये देखो पानी। अरे पानी तो दिखने ही रहा यहाँ से, ये जमा कर रहा है पार ऊपर ऐसे पानी दिख रहा है क्या पानी। गाइस अभी हम फाइनली अपना डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला है। और हम लोग बहुत रास्ता में घूम भी हो गया, तो अभी पहुंचने वाला है, तो अभी दिखाएगा। अभी मम्मी पापा तो थक गया, क्योंकि कब से लोकेशन पूछ रहा है।
तो अभी सरप्राइज 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 बोल के ना 6-7 घंटा हम लोग आए हैं बेंगलोर से, और बेचारा कब से गाड़ी चला रहा है तो सुबह 9:30 से लेके अभी हम लोग का 5 बज गया, क्योंकि हम लोग बीच में रास्ते में 2 बार रुके भी, अभी पहुंचने वाले हैं लोकेशन। तो अभी मैं लोकेशन दिखाती हूँ सबको और मम्मी पापा को भी। अंधेरा है अंदर। ओके गाइस, हम लोग लोकेशन में पहुंचने वाला है। ओहो कैसा, अभी पानी में पहुंच गया, पानी में पहुंच गया। अभी मम्मी पापा को स्पाइनल इज राइट पॉप अभी हम लोग ना रूम में जाके सामान नहीं दिखाए, सामान अभी नहीं रखे हैं, हम लोग सीधा बीच आए हैं। तो मम्मी का फर्स्ट टाइम है गाड़ी तो दौड़ रहे हैं, मम्मी फर्स्ट टाइम ऑन अ बीच। ये देखो गाइस, समुद्र में आ गए। ये देखो, ये कौन सा समुद्र है भाई? होटल खाई है, देख हम जो डो रहा है। गाइस दिस इज अरेबियन सी, दिस इज द लॉन्गेस्ट, क्या है, लॉन्गेस्ट ड्राइव इन बीच इन एशिया और समथिंग। तो यहाँ पे गाड़ी चला के ऐसे जा सकते हैं। गरीब है हमारे अमाउंट है खुमा गेंट संगी ट्रो मतलब कोंदा तो ना जा सकते हैं, मतलब मैं सोचा ये गाड़ी जाएगी। तो अभी मम्मी पापा लोग पैदल वहां तक जाएगा, ऐसा इधर है सांबा ऐसे हिलेगा ऐसा, वो नहीं है यार, ये गाड़ी है हमारे। तो पापा ने एक बार बीच देखा है, मम्मी ने 0 बार देखा है, पहली बार देख रहे हैं। समुंदर में आ गया, अब हम मछली पकड़ेगा कछुआ पकड़ेगा। तो हम लोग इन लोगों को केरला लेके आए हैं। This is how it looks like, guys. जाना है जाना है ना, पापा इज टेलिंग इसके ऊपर ऐसे जाना है, मॉम बाद में जाएगा, बाद में जाएगा, कब जाएगा। यहाँ पे गाड़ी रखे जा सकते हैं, मैं तो पहले होटल में पहुंचेगा सोचा, सीधे इधर पानी में, सीधा पानी में पहुंच गया। अभी रुको, पहले यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं। This is fish. That is paratha. And this is paratha with some chicken kind of thing.